नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉक। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा का फॉर्म फिलअप हो रहा है, इसके साथ साथ 69वीं सिविल सेवा का इंटरव्यू का प्रोसेस चल रहा है। आपको बता दें कि अभी तक 4 नवंबर तक जो है वो फॉर्म फिलअप करने की अंतिम तिथि है और अभी तक आज के डेट में लगभग 3,40,000 के आसपास फॉर्म जो है वो अंतिम रूप से फिल करके बीपीएससी में जमा कर दिए गए हैं और 4 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं बीपीएससी में अभी तक जो हमें जानकारी मिली है। तो आपको बता दें कि लगभग चांस है कि अंतिम सप्ताह में जितना फॉर्म अभी तक फिलअप हुआ है उतना और होगा, लगभग 6-7 लाख के आसपास जो है वो कैंडिडेट की संख्या जाएगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक बड़ा ही अहम मांग कुछ छात्रों के द्वारा किया गया है जिस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं था, और आपको बता दें कि ये मांग उन छात्रों के द्वारा किया गया है जो कि 69वीं सिविल सेवा का मेंस परीक्षा या तो पास कर गए हैं या तो पास नहीं कर पाए और आगे भी इसकी जरूरत काफी ज्यादा है। आपको बता दें कि सिविल सेवा में यह नियम बना दिया गया कि ऑप्शनल पेपर अब डिसाइडिंग नहीं होगा, यानी कि उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे आपके मेंस के अंकों में, केवल क्वालिफाइंग होगा और उसका ऑब्जेक्टिव नेचर कर दिया गया। पहले अब तक सिविल सेवा में मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्टिव होता था और उसका अंक जुड़ता था और काफी डिसाइडिंग फैक्टर होता था मेंस में ऑप्शनल, अब नहीं है वैसा, लेकिन क्वालिफाई होना जरूरी है और ऐसे में सिविल सेवा मेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट के आंसर की जारी नहीं होते हैं। और इसको लेकर कुछ छात्रों के द्वारा हमें ये फोन किया गया कि आयोग से ये गुहार लगाई जाए कि उसके भी आंसर की को जारी किया जाए, क्योंकि आपको बता दें कई छात्र जो हैं उन्हें ये लगता है कि उनका चयन नहीं हुआ मेंस में, उसका वजह ऑप्शनल पेपर ही रहा। इसके साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट किया गया है आयोग से कि सभी ऑप्शनल पेपर में जो क्वेश्चन पूछने का जो उसका स्टैंडर्ड है उसको लगभग एक समान रखा जाए। छात्रों ने ही हमें बताया कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस, ऐसे प्रश्न पूछे गए जो कि बड़े ही टफ थे, वो किताबों में खोजने के बावजूद जो है वो नहीं मिलता है। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही टफ रखा गया है जिसमें क्वालिफाइंग नंबर तक लाना भी एक टेढ़ी खीर बन जाएगा, जबकि अन्य विषयों के साथ ऐसा समस्या नहीं है, ऐसा छात्र कह रहे हैं। मैंने तो पूरा क्वेश्चन देखा भी नहीं है और न ही मैं ये बता सकता हूं कुछ सब्जेक्टों को छोड़कर कि कौन टफ है और कौन आसान है। तो बताएं आपको कि ये जो है वो काफी अहम मुद्दा है मेंस में। भले ही ऑप्शनल पेपर अब उतना वैल्यू वाला नहीं रहा, लेकिन उसका इतना वैल्यू है कि आप उसमें पास नहीं करेंगे तो आप मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और ऑब्जेक्टिव होता है तो उसके प्रश्नों का उत्तर जो है आंसर की मेंस में ऑप्शनल का आंसर की जो है वो आयोग जारी करे, ऐसे छात्रों की मांग है। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो सभी के लिए समान रखा जाए, ऐसा ना कि कुछ सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन हो और कुछ के लिए काफी आसान हो। और छात्रों का मानना है कि ऑप्शनल के कारण भी बहुत सारे छात्र बाहर हो रहे हैं और इसमें भी वही वाली स्थिति आ जा रही है जैसे पहले चलता था कि कोई सब्जेक्ट बूम किया तो सारे लड़के उसमें अच्छा नंबर लाए, और कोई डाउन रहा कितना भी अच्छा लिखे आपको अच्छे अंक नहीं मिले। उनका कहना है, छात्रों का कहना है कि ऐसा कुछ स्थिति ऑप्शनल के क्वालिफाइंग पेपरों के साथ भी हो गया है कि उसमें इतने टफ क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं जिसे क्वालिफाई करना ही मुश्किल हो जा रहा है। तो गुजारिश है उनकी कि साम्यता रखी जाए ऑप्शनल के सभी पेपरों में और उसका आंसर की भी जारी किया जाए, और हम आशा करते हैं कि आयोग इस पर ध्यान जरूर देगा और ऑप्शनल पेपर के आंसर की भी जारी करेगा। तो बता दें आपको हम कि 3,40,000 के आसपास हमें जानकारी मिल रही है कि फॉर्म फिलअप हो चुका है, लेकिन एक हफ्ता के अंदर में पूरी संभावना है कि जितना भी फॉर्म फिलअप हुआ है उतना ही और होगा। तो तैयारी में लगे रहें, हर एक अपडेट हम आपको देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।